तो ये हमारे भाई साहब हैं, आप नौ क्या भाई जी? राहुल। ये है हमारे राहुल कोटियाल, राहुल कोटियाल लल्लू प्रधान जी लड़के हैं बड़े वाले। तो अभी इन्होंने जो बातें बताई वो सब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बताए इतिहास यहाँ के बारे में, ठीक है ना? ओके चलो आगे देखते भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ के बारे में, क्या क्या है, क्या क्या इतिहास है देवप्रयाग का, यहाँ कुंड के बारे में संगम है यहाँ पे उसके बारे में बता रहे भाई साहब आपको सारी बातें। चलो चलते आगे। इसमें कि इसका नाम कंडुवीर कटिनगरम के नाम से जाना जाता है। 700 जो आप जो मंदिर देखते हैं वो मंदिर बहुत ही पुराना है, 722 ईस्वी में उसकी जो है स्थापना यहाँ पे हुई, और 1835 ईस्वी में जो जम्मू कश्मीर के जो पहले राजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने इसका निर्माण कराया। जो इसका आधुनिक स्वरूप है, जो रघुनाथ जी के मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है, वो 1893 में जब इसका भूकंप से ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसके बाद दोबारा से इसका जो ये स्वरूप आया है ये तब बन के आया है। ये नागर शैली, जो कि हमारी जो कला की जो शैली है, नागर शैली और काठियावाड़ी शैली का एक मिक्सचर है। नागर शैली में पूरा मंदिर बना है और उसका जो ऊपर का जो भाग है, सबसे ऊपर का भाग है, वो काठियावाड़ी शैली में उसमें डेवलप किया गया है। तो ये नागर और काठियावाड़ी शैली का एक मिलन का केंद्र भी कह सकते हैं, दो कलाओं की मिलन का केंद्र भी है। और जो इसके बारे में जो भीमसांग ने भी जो 1802 में जब यहाँ पे हिमालयन गजेटियर जो आया था, उसमें भीमसांग ने भी कहा था कि इसको ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। साथ में एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी ने भी यहाँ 10 साल का भगवान जी की तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने भी, इसलिए इसे ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के यहाँ पे तपस्या करने के बाद इसे सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उसके बाद खुश होकर भगवान जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भी दिया था अपना, भगवान विष्णु ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दिया। उसके बाद इसकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं यहाँ पे, जो जो 1000 ईस्वी से और जो सबसे बड़ा जो राजवंश रहा है पाल राजवंश ने या राज किया, जो कि टीरी राजा की सियासत हुआ करता था, जहाँ की जहाँ पे हम खड़े हैं देवप्रयाग भी टीरी में राजा के अंडर में आया करता था। और जो यहाँ का जो इतिहास है, जो तीर्थ पुरोहितों का जो इतिहास है, वो आपका 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के साथ तैलंग भट्ट, जो कि हम लोग जो तीर्थ पुरोहित हैं, तैलंग भट्ट जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ आए थे शंकराचार्य जी के साथ। शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष को एक करने का लक्ष्य जो रखा था, तो उन्होंने उसके लिए एक और चीज़ ये की कि हम लोग जब एक दूसरे के कल्चर में ढलेंगे नहीं, तो तब तक आदमी उस हिसाब से वो बॉन्डिंग और आपस में वो एक जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो साउथ के जो प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण थे उनको यहाँ ला के बसाया देवप्रयाग, वो तैलंग भट्ट। और ऐसे ही जैसे आपने सुना है वाराणसी और यूपी और इधर के जो ब्राह्मण हैं वो साउथ में पूजा करते हैं, इसी प्रकार जो पश्चिम के हैं वो पूरब में पूजा करते हैं, और जो पूरब के हैं वो पश्चिम में पूजा करते हैं। तो उन्होंने सबको मिंगल अप कर दिया। उसके बाद जो है 37वें जो पाल वंश के राजा हुए अभय पाल जी, उन्होंने यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को वहाँ शिफ्ट किया बद्रीनाथ में, और वहाँ का तीर्थ पुरोहित बनाया अपनी तरफ से, और उसके बाद सतत के यहाँ से बद्रीनाथ के भी तीर्थ पुरोहित कहलाए। इसीलिए जब 6 माह होते हैं तो 6 माह जब भी बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं, और उसके बाद 6 माह तक वहाँ रहने के बाद अपनी उस जगह को छोड़ के, बद्रीनाथ को छोड़ के, देवप्रयाग में सारे तीर्थ पुरोहित आ जाते हैं। देवप्रयाग के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो 52 गांवों के 52 जो हमारे विलेज हैं गांव हैं उनका एक पूरा समूह है, जिसको देवप्रयागी कहा जाता है। देवप्रयाग का एक और है, यहाँ पे जो हमारी जो लैंग्वेज विकसित हुई, जो टंग विकसित हुई, तो लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन टंग कहेंगे उसको, जो कि गढ़वाली है, और वो भी एक स्पेशल गढ़वाली ऐसी है जिसको देवप्रयागी कहा जाता है। उसमें एक अलग सा टच लेके आते हैं वो लोग, और बहुत दूर दूर तक हमारी जो वाणी है उसको इतना मधुरता से जाना जाता है कि वो एक अलग ही गढ़वाली के रूप में आज भी प्रचलित है। देवप्रयाग के लोग पहले से समृद्ध हैं, तीर्थ पुरोहित भी रहे, तो इसलिए
सब लोगों का प्यार भी मिला और सबका सहयोग भी मिला। ये सारी जो कथाएं हैं ये इस पर वर्णित है। ये जो संगम है इसको नानजी भाई मेहता ने इसको ठीक कराया था, इसका निर्माण किया था, ये सारा इसका इतिहास। देवप्रयाग में ये भी कहा जाता है कि देव शर्मा नाम का एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान यहाँ पे आके उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी, उसी के कारण इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। इसको है जय गंगा जी, जय रघुनाथ जी, जय देवप्रयाग। तो ये एक देव भूमि है जिसके अथाह मायने और इससे छोटी छोटी कथाएं, छोटे छोटे इसके जो इसमें कथाएं हैं, छोटी छोटी जो इसका वर्णन है वो कई जगह आता है। जैसे कि स्कंद पुराण में जो है 11वें अध्याय में 11 पेज जो इसके बारे में वर्णन मिलता है देवप्रयाग के बारे में, ऐसे ही केदारखंड के बारे में देवप्रयाग में देवप्रयाग का जो महत्व है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। और जो रघुनाथ जी की भूमि है ऐसा माना जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का विनाश किया था और रावण को अपने युद्ध में हरा दिया था, उसके बाद विनाश करने के बाद जब उन्होंने ये सोचा कि रावण जो कि ब्राह्मण था और एक क्षत्रिय के हाथों एक ब्राह्मण का जब वध हुआ था तो उससे उस पाप से भगवान जी का जो हृदय थोड़ा व्यथित हो गया था, तो उन्होंने उस पाप से बचने के लिए देवप्रयाग जैसी पुण्य भूमि में आके यहाँ पे तपस्या की थी और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उस पाप का अपने उससे निवारण किया था। इसलिए भी देवप्रयाग को रघुनाथ भूमि से जाना जाता है क्योंकि देवप्रयाग में उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की।